नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले दो वीडियो पहले जब मैंने फेयरनेस के बारे में बताया था, उसमें कहा था कि बर्बेरिस एक्विफोलियम यह दवा थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, तो आज उसी के ऊपर वीडियो बनाया है। बर्बेरिस एक्विफोलियम एक बहुत ही अच्छी दवा है स्किन के लिए, ये सभी जानते हैं। स्किन फेयर करने के लिए इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होम्योपैथी में होता है, और अक्सर आप में से कई लोग जो होम्योपैथी का नॉलेज रखते हैं उन्हें पता है कि बर्बेरिस एक्विफोलियम से स्किन फेयर होती है, स्किन टोन कम होने में मदद होती है। तो ये सब कैसे होता है इसके बारे में भी जानेंगे, और स्किन के अलावा बर्बेरिस एक्विफोलियम के क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो अंत तक देखना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, बर्बेरिस एक्विफोलियम एक बहुत ही अच्छी दवा है स्किन के किसी भी ट्रबल के लिए। आप पिंपल्स ले लो, फोड़े, फुंसी, मुहासे, कील, बार बार अगर फोड़े हो रहे हैं, पस हो रहा है, तो उसके लिए अनहेल्दी स्किन के लिए बर्बेरिस एक्विफोलियम बहुत अच्छी दवा है। साथ ही साथ सोराइसिस के लिए, ड्राई एक्जिमा, स्केली एक्जिमा के लिए ये बहुत ही अच्छी दवा है। और अक्सर स्किन के जब भी पेशेंट हम देखते हैं तो पहले तो रूल आउट करना होता है कि जो मेन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है उसके साथ में बर्बेरिस एक्विफोलियम दे रहा है या नहीं। इतनी अच्छी दवाई ये स्किन के लिए है, और जैसा कि सभी को पता है ये सर्वश्रुत है। बोरिक मटेरिया मेडिका में लिखा है कि दिस इज द रेमेडी विच क्लियर्स द कॉम्प्लेक्शन, स्किन टोन का कॉम्प्लेक्शन, स्किन का कॉम्प्लेक्शन फेयर करने में ये बहुत यूज होती है। इसलिए होम्योपैथी में इसके कई क्रीम भी हमें देखने को मिलते हैं। टॉफी बर्बेरिस और दूसरे बर्बेरिस एक्विफोलियम के क्रीम्स हमें होम्योपैथी में बने हुए देखने को मिलते हैं। तो स्किन के क्या क्या लक्षण है पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो स्किन जो होती है अनहेल्दी सी स्किन हमें पेशेंट की देखने को मिलती है, पिंपली स्किन होती है, रफ स्किन होती है, और स्केली स्किन हमें देखने को मिलती है, स्केल स्किन स्किन पे से गिरते हुए हमें देखने को मिलते हैं। ड्राई एक्जिमा अगर है, एक्जिमा के ऊपर के स्केल्स बार बार अगर गिर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें बर्बेरिस एक्विफोलियम के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। स्किन फेयरनेस के लिए तो है ही है, लेकिन स्किन के बाकी ट्रबल्स के लिए भी ये बहुत अच्छी दवा हमें देखने को मिलती है। खासकर अगर इरप्शन है, वो अगर स्काल्प के अंदर जा रहे हैं, तो स्काल्प के अंदर जो इरप्शन होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं ट्रीट करने को। तो अगर स्काल्प के अंदर इरप्शन जा रहे होते हैं और उन इरप्शंस को ट्रीट करना होता है, तो बर्बेरिस एक्विफोलियम एक बहुत ही अच्छी रेमेडी के तौर पे है। सोराइसिस के लिए कई लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते या इसके बारे में सोचते नहीं है, लेकिन सोराइसिस के लिए भी ये बहुत अच्छी दवा है। अगर बहुत ज़्यादा खुजली है किसी को और स्केली इरप्शन, सोराइटिक स्किन इरप्शंस में गिर रहे हैं, और आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे रहे हो लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा है, तो बर्बेरिस अगर आप साथ में देते हो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के, तो बर्बेरिस से जो स्किन का अनहेल्दीनेस है वो कम होता है और सोराइटिक इरप्शंस कम होने में हमें मदद होती भी देखने को मिलती है। दोस्तों, पिंपल्स के लिए तो बहुत ही अच्छी दवा है। पिंपल्स के लिए हम पेट में भी दे सकते हैं और लोकली इसे इसका मदर टिंचर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो एक्ने पिंपल्स के लिए ये बहुत अच्छी दवा हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर किसी को पुरानी खुजली है, स्किन पे खुजली है, आप अगर एग्जामिन कर रहे हो तो कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन खुजली है, लेकिन पता नहीं है, डायबिटीज़ भी नहीं है पेशेंट को, पेशेंट ओल्ड एज का भी नहीं है, जिससे सीनाइल प्रोलैक्टिस का भी पेशेंट नहीं है, यंग एज का पेशेंट है, डायबिटीज़ नहीं है, फिर भी स्किन में खुजली लेके आता है और कोई अपेरेंट रीज़न हमें देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में भी बर्बेरिस एक्विफोलियम एक बहुत ही अच्छी रेमेडी के तौर पर काम आती है, बहुत ही अच्छी दवा हमें देखने को मिलती है। ब्लॉचेस, पिंपल्स, पिंपल्स के बाद में जो काले दाग धब्बे होते हैं, इनके लिए भी बहुत अच्छी दवा ये उभर के आई है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें इसके देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं स्किन के अलावा इसके और क्या क्या लक्षण हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी सिफिलिस अगर किसी को हुआ है, सेकेंडरी सिफिलिस का नोन अगर कोई पेशेंट है, तो ऐसी कंडीशन में सेकेंडरी सिफिलिस की अगर हिस्ट्री देखने को मिलती है और उसके बाद में अगर ट्रबल स्किन के हमें देखने को मिलते हैं, तो बर्बेरिस के बारे में हम सोच सकते हैं। और साथ ही साथ किसी का लीवर अगर कमज़ोर है, लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो लीवर से टॉक्सिन्स फेंकने के काम में ये दवा आती है। लीवर की कार्य क्षमता यह दवा बढ़ाती है।
लीवर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, जिससे टॉक्सिन्स कम होते हैं और जिससे स्किन हेल्दी होने में हमें मदद होती है। तो अनहेल्दी स्किन या स्किन की कोई भी ट्रबल और लीवर की अगर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो बर्बेरिस आपको ज़रूर देना है। तो हिपेटिक टॉर्मर हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, ये स्टिमुलेट करता है लीवर को और साथ ही साथ दूसरी हमारी स्किन की ग्रंथियों को भी ये स्टिमुलेट करता है और जो स्किन का न्यूट्रिशन है वो इम्प्रूव करता है, हमारे ओवरऑल बॉडी के न्यूट्रिशन में भी ये मदद करती है। तो इस तरह से ये स्किन का कॉम्प्लेक्शन कम करते हुए हमें देखने को मिलती है। अगर कोई पुरानी बीमारी है जिसकी वजह से स्किन काली सी या सावली सी गिर गई है तो ऐसी कंडीशन में ये दवा देने से हिपेटिक फंक्शंस इम्प्रूव होने की वजह से हमको स्किन क्लियर होती हुई देखने को मिलती है। तो बहुत ही अच्छी दवा हमें ये देखने को मिलती है। लीवर की ट्रबल्स के साथ में एक चीज़ हमें देखने को मिलता है वो है सिर दर्द। एक टिपिकल सिर दर्द हमें बर्बेरिस एक्विफोलियम के अंदर देखने को मिलता है। ऐसा लगता है पेशेंट को कि कान के ऊपर एक कोई पट्टी सी बंधी है और बहुत ज़्यादा सिर दर्द हमें देखने को मिलता है और सिर दर्द का अंत होता है वोमिटिंग में और पेशेंट कहता है कि येलो कलर की वोमिटिंग हुई है, पित्त गिर गया है, ऐसा कई बार लोकल लैंग्वेज में पेशेंट करते हैं। तो बिलियस वोमिटिंग हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, पीली पीली पूरा एसिडिक वोमिटिंग हमें पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया स्किन के अंदर सिर के अंदर अगर ड्राई एक्जिमा है, स्केली एक्जिमा है, यहाँ बालों के नीचे की जो सतह है वो अगर ड्राई हो जाती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली आती है तो बहुत ही अच्छी हमें ये दवा काम करती हुई वहाँ पे देखने को मिलती है। तो बहुत अच्छी दवा है, ये सभी लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हमको यूरिनरी ट्रबल्स भी इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। यूरिन के अंदर हमको थोड़ी सी जलन, थोड़ी सी स्टिचिंग, बर्निंग हमें देखने को मिलती है और साथ ही साथ रेड ब्राइट रेड सेडिमेंटेशन यानी लाल लाल सब कुछ जमा हुआ हुआ हमें यूरिन के अंदर इस पेशेंट के देखने को मिलता है। तो ये सभी सिम्टम्स हमें बर्बेरिस एक्विफोलियम इस दवा में देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छी दवा है। स्किन ट्रबल्स में आप एक कंस्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ में ये मेडिसिन दे सकते हैं। ये मेडिसिन पोटेंसिस में नहीं यूज़ करते, ये एक्सक्लूसिवली मदर टिंचर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। पोटेंसिस में आती है लेकिन पोटेंसिस में इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हमें देखने को नहीं मिलते। मदर टिंचर फॉर्म में अगर आपको इंटरनली लेना है तो इसके 15 से 20 बूंद आधा कप पानी में हमें मिला के सुबह शाम लेना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपको आपके होम्योपैथिक फार्मेसी से इसकी सील्ड पैक बॉटल ही लेना है। WSI या SBL कंपनी के आप इसके सील्ड पैक बॉटल लीजिए, लूज बॉटल्स आपको नहीं लेना है। आधा कप पानी लीजिए, उसमें उसका ढक्कन खोल के 20 बूंद मिला दीजिए और पानी के साथ में इसको पी जाइए। दिन में 2 बार 3 बार भी आप इसे पी सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया लीवर के फंक्शंस भी इम्प्रूव होंगे और स्किन भी इससे क्लियर होती हुई हमें देखने को मिलती है। बहुत ही अच्छी दवा है, ज़रूर आप इसका इस्तेमाल कीजिए। 2-3 महीने तक आप अगर लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं तो टॉक्सिन्स रिमूव होकर स्किन कॉम्प्लेक्शन भी हमें फेयर होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी दवा बर्बेरिस एक्विफोलियम, जिसको हम माउंटेन ग्रेप के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो वीडियो मैंने आपको बताया, ये जो जानकारी मैंने दी, आप सभी को पसंद आई होंगी। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और होम्योपैथी से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। आपसे मिलेंगे कोई अच्छे से टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। है आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी हमें आज़ादी को 75 इयर्स हुए हैं। ऐसा लगता है कभी कभी कि अभी की तो बात है 50 साल हमने मनाए थे, स्कूल में था शायद, और पता नहीं ये समय कहाँ चले गया और आज हम 75th ईयर आज़ादी का मना रहे हैं। आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।